राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की स्थापना की जा रही है। पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अनुदान योजनाओं, जिला खनिज नींव योजनाओं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण सड़कों, सीवरेज एवं अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया है और इन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। कामठी तालुका के विभिन्न गांवों में विकास कार्य मंत्री श्री केदार द्वारा भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, उपाध्यक्ष सुमित्रा कुम्हारे, समाज कल्याण अध्यक्ष नेमावली माटे, जिला पंचायत इस अवसर पर सदस्य अवंतिका लेकुरवाले, सरपंच वनिता इंगोले, अनुमंडल पदाधिकारी श्याम मदनूरकर सहित अधिकारी व नागरिक उपस्थित थे। विशेष अनुदान योजना के तहत बिड़गांव, जीजा माता नगर, आराधना नगर से भूमि पूजन एवं निकास के लोक समर्पण, आंगनवाड़ी निर्माण, केम में जल शोधन केंद्र, जिला परिषद स्कूल क्लासरूम, शिवानी और चिखली में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ सड़कों का निर्माण, श्याम प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत 60 लाख रुपए, इसी तरह 30 लाख रुपए के फंड से भूगांव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्लास सी तीर्थ यात्रा विकास कार्यक्रम के तहत यात्री निवास, 10 लाख रुपए के फंड से नन्हा मंगली जाखे गांव में यात्री निवास भूमि पूजन और समर्पण के साथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वेयरहाउस अंबाड़ी में सामूहिक प्रशिक्षण केंद्र और वडोदरा में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, माता बल संगोपन उपकेंद्र और कक्षाएं आदि निधि से किए गए थे। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।